हाथी राजा कहाँ चले, सोने लाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा बूटी खाओ ना। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज का वीडियो किड स्पेशल। बच्चों के वेकेशन चल रहे हैं तो ऐसे में बच्चों के लिए फन एक्टिविटी जैसा कोई वीडियो लेके ना आओ ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज का वीडियो स्पेशली बच्चों के लिए है, उनके लिए एक एक्टिविटी मैंने यहाँ पे दिखाई है जो कि आपको हो सकता है पसंद आए। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है एक छोटी से हाथी बनाने की। मैंने पेपर यहाँ पे यूज़ किया है, ओरिगामी शीट यूज़ किया है। आप चाहो तो कोई भी कलरफुल शीट ही लेकर के इसे बना सकते हो। तो आप अपने बच्चों के साथ भी एक्टिविटी कर सकते हो क्योंकि बच्चे घर पे हैं और उनको करने के लिए बहुत सारा टाइम है। तो आप उनके साथ ये इस तरह की फन एक्टिविटी कर सकते हो, इससे उनका टाइम पास भी हो जाएगा और आपके लिए भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि आप उनके साथ कुछ एक्टिविटी कर पाओगे। इसके अलावा मैं और भी पेपर क्राफ्ट का एक्टिविटी लेके आती रहूँगी जो कि बच्चों के लिए होगा खासकर। और इसका साइज़ क्या होगा पेपर का वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दे रही हूँ। साथ ही जो भी स्टेप्स मैं यहाँ पे कर रही हूँ वही सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हुए बड़ी आसानी से बना सकते हो। जस्ट 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से और भी आप बर्ड्स बना सकते हो, एलिफेंट बना सकते हो। ये सारी सीरीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आगे की वीडियोज़ में। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको सारे स्टेप्स बड़ी आसानी से समझ में आ सके। तो जब से बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हुई है, बच्चे कभी मोबाइल देखते हैं, कभी टीवी देखते हैं, ये सब एक्टिविटी करने के बावजूद उनके पास काफ़ी टाइम होता है और वो फिर बोर होने के बाद पूछते हैं कि मम्मी अब क्या करूं। तो आप इस तरीके से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। और वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आप एंजॉय करो वीडियो को। तो इस तरीके के जो पेपर क्राफ्ट के एक्टिविटी होती है कई बार स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क में भी दिया जाता है। तो आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो तब तक वीडियो में बने रहिए और सारे स्टेप्स एक भी स्टेप स्किप मत करिएगा वरना आपको ये किस तरीके से बनाना समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसे आसानी से बनाने की कोशिश कर सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे 2 एलिफेंट बनाया है, एक तो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया और दूसरा अपने बेटे के लिए बनाया। इसके बाद मैंने अलग से उसे भी ये ट्राई करवाया था और उन्हें ये करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आई होप आपके बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा ये एक्टिविटी। तो आप सारे स्टेप्स देखते हुए इसे आसानी से बना सकते हो। अब मेरा हाथी पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करूँगी, यहाँ पे थोड़े उसके दांत बनाऊँगी अलग से एडिशनल पेपर यहाँ पे ऐड करके वाइट कलर का। और उसके बाद मार्कर से मैंने इसके आईज बनाए और थोड़े से लाइंस के करके इसके सूंड बनाने की कोशिश की है। तो ये भी हाथी पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया है। और अब आप मुझे बताना कि ये दोनों हाथी आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरा वीडियो। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को दबाना और सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं चलती हूँ और आगे और भी अच्छे अच्छे पेपर क्राफ्ट के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी जब तक बच्चों के वेकेशन चल रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वन स्टेप कोर्स।